हेलो फ्रेंड्स, अभी देखिए हम लोग ने ये चला, हम दो मिनट 5 मिनट चलाएंगे इसे, ऐसे ही 5-6 मिनट चलाएंगे। देखिए चला रहे हैं अभी, अच्छे से इसे चला लेंगे फिर अच्छा हमारा हो जाएगा। हमारा 5 मिनट नहीं हुआ है अभी, बहुत है ना, 3 मिनट 1 मिनट बाकी है हमारे में। हम 2 मिनट चलाएंगे और फिर 2 मिनट हो गए हमारा। देखिए हम इसे 2 मिनट में छोड़ देंगे अच्छे से हमारा। देखिए हमारा हो रहा है, बहुत अच्छे से हमारा हुआ है अभी। देखिए हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाया है, अभी हमें बहुत मिनट से करने की चाहिए, 5 मिनट से करीब बहुत ज़्यादा मिनट चाहिए हमें, 10 मिनट 5 मिनट 12 मिनट से चाहिए होता है। हम इसे चलाएंगे, देख सकते हैं हम लोग चला रहे हैं अभी अच्छे से हमारा चल रहा है। देखिए हमारा चल रहा है अभी अच्छे से, चला है हमारा, एकदम मस्त महक आ रहा है, एकदम मस्त महक आ रहा है, बहुत अच्छा महक हो रहा है हमारा, बहुत अच्छा एकदम मस्त महक आ रहा है, किचन खुशबू से महक उठा है और बहुत अच्छा महक आ रहा है, बहुत अच्छा भी बना है, आप देख सकते हो। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है, तो देखिए हमने बहुत ही अच्छा हमारा बना है और हम इसे चलाएंगे बहुत सारे हमें 12-12 5-6 मिनट तो चाहिए होता है 10-12 मिनट। तो हमें अभी अच्छे से हमारा बन गया है जो हमारा सांभर है, सांभर हमारा एकदम मस्त बना है। अभी हमें चटनी बनाना होगा, पहले हम अभी सांभर बना लें, फिर हमें वो जो वाइट वाइट चटनी होती है ये थोड़ा सा बस डालना है। हमने वैसे भी पहले बहुत ज़्यादा डाल दिया था और एकदम मस्त होना चाहिए चाय के, ताकि सांभर बहुत मस्त होना चाहिए। अभी दो घंटे हमें रहने दीजिए, तभी हम अभी आएंगे किस बैटर पे। देखिए हमारा डोसा का बैटर एकदम मस्त बना है, अब हम इसे एकदम मस्त से चला देंगे, जैसा कि आपको पता है एकदम मस्त हम लोग चला रहे हैं, देख सकते हो। इसे हमें देखिए हमने इसे 5 मिनट तक चलाया है, अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा 5 मिनट के लिए हमें टाइम चाहिए। वैसे हमने 9 बजे से लेके 12:42 पर हमने इसे लेके आया है, 9 बजे हमने इसे रखा था छत पे और 42 पर हमने इसे लेके आया है, 12:42। जब हमारा बैटर एकदम तेज से गिरे, मतलब एकदम लगातार गिरे, तब आप एकदम मस्त बैटर हो जाएगा। इसे न एकदम पतला करना है, न एकदम मोटा करना है, एकदम नॉर्मल करना है इसे। देखिए हमारा एकदम गिर रहा है बैटर, देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे से हमारा बैटर एकदम गिर रहा है और हम इसे अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से हम लोग चलाएंगे। तो हमारा आपको ले चलते हैं आलू पर, ये देखिए हमारा आलू हमारा बहुत अच्छा बनाया है, हमने इसे एकदम मस्त से हमने धोना है, देख सकते हो आप लोग, हमने एकदम मस्त से इसे काट दिया है, एकदम मस्त। हमने पहले से वो आलू में कुकर में रख के उसे उबाला, फिर हमने 2 मिनट ठंडा होने के लिए इसे रख दिया, ठंडा हो गया था ये, तो हमने इसे मैश कर दिया, फिर एकदम से हमने हाथ से ऐसे ऐसे करके पूरा वो पीस दिया। और पर ये बात याद रखिएगा आप लोग कि आलू ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, उसमें ढोका रहना चाहिए, नहीं तो आपका पतला हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा ये। पर ढोका वाला अच्छा लगता है, उसमें डोसा डाल देते हैं, वैसे आप होटल में भी खाते होंगे, पर होटल में मैंने खाया तो ऐसे पाया है हमने होटल में। और अभी हम लोग चलते हैं, अभी देखिए बहुत टाइम हो गया हमारा, अभी देखिए हमें तो मस्त का सांभर हो गया, अभी हमने एकदम तो मस्त का पकाया है, अभी पक रहा है सांभर, इसे यहाँ पे अभी ढक दिया है, 2 से 4 घंटे तक इसे ढकने दें, 2-4 मिनट तक, आधे घंटे तक रहने दें। और देखिए डोसा के लिए तावा है, हमने इसी यहाँ डोसा बनाएंगे हम लोग। तो पहले या जब हम लोग डोसा बनाएंगे तो अभी अगर आपको मैं बता दूँ कि डोसा बनाने से पहले यह आपका यहाँ पे जो है ना ये पूरे तावा है उस पर एकदम गर्मा मिलना चाहिए। वैसे मैंने एकदम मस्त का ये बनाया है, वैसे भी तावा बहुत अच्छा बनाया है, देख सकते हो आप लोग, एकदम साफ़ है। अगर आपको गंदा हो तावा तो मत बनाए, नहीं तो आपका खराब भी डोसा हो सकता है, खराब भी डोसा का चांस हो सकता है। देखिए हमारा एकदम मस्त ही तावा है, आप देख रहे हो एकदम मस्त धोआ है हमने, एकदम मस्त का धोआ करके, अभी एकदम चकना चिकना लग रहा है,
मस्त का बनाया है जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना मस्त का आपका बना भी नहीं सकता है, देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा लोग।